एक बूंद नहीं छोड़ेंगे सर, जहाँ कहेंगे तहाँ रहेंगे सर। आवाज़ों का हिसाब लेंगे भैया, आदमी के बोले कि आवाज़ों का हिसाब लेंगे। सुशील मोदी मुर्दाबाद, 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 सुशील मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अरुण कुमार जिंदाबाद, 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 सुशील मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सुशील मोदी मुर्दाबाद, सुशील कुमार मोदी मुर्दाबाद, बताया जाए सर कि इस बार जो है आपका जहानाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने का क्या निर्णय है? एकदम देखिए, आज नीतीश कुमार और जब से मैं जॉर्ज फर्नांडिस के सवाल को लेकर के उनसे मतभेद बढ़ता, तब से उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश हमेशा की है, विपक्षियों से भी मिलकर के करते हैं। तो हमने निर्णय लिया था, चूंकि यहाँ बड़ी तैयारी चल रही थी उनकी हमें भेदने का, तो हमने सोचा था कि इसको हम वैसा जगह नहीं बनाए, नवादा से चुनाव लड़े। और नवादा के साथियों ने एक महीना से तैयारी कर रखी थी, आज हमको जाना था यहाँ कुलदेवता की पूजा करने के बाद खनमा, वह भी श्री बाबू का जन्मस्थली है और वहाँ से मैं बहुत अटैच्ड हूँ, तो यहाँ के बाद पूजा वहाँ करना था और उसके बाद रात्रि विश्राम नवादा में करना था और कल नॉमिनेशन करना था, पेपर सब तैयार है। लेकिन जो पुराने साथी हैं और नई पीढ़ी के लोग भी जो जुड़े हैं, इन लोगों के अंदर जो एक इमोशनल आउटब्रेक देखा, तो हम भी थोड़ा कठिन निर्णय था, लेकिन हमको निर्णय बदलना पड़ा और निर्णय जो होगा अब चुनाव आज ही नहीं कभी के लिए जहानाबाद मैं नहीं छोड़ूंगा। यह मैं जहानाबाद के लोग आपको आपका साथ देंगे सर, क्या लगता है सर जहानाबाद के लोग आपको साथ देंगे? जो जहानाबाद के लोगों ने प्यार दिया है, मैं उस प्यार का सम्मान करता हूँ। क्या मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की बात आ रही थी, क्या उसमें आप आश्वासन? महागठबंधन में अहमद पटेल जी से हमने बात किया था और उन्होंने कहा था कि आपको एलाइज के रूप में रखा जाएगा, लेकिन मैं महागठबंधन के खिलाफ नहीं हूं। उन्होंने प्रयास किया होगा, हमारे विरोधी वहां भी हैं बैठे हुए, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूँ। अभी जिस तरीके से टिकटें बिक रही हैं सत्ता पक्ष में और विपक्ष में भी, दोनों तरफ 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ में टिकट बिक रहा है, तो हम इस संस्कृति के विरोधी हैं। इसलिए महागठबंधन में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, और यहाँ तो इसके मुखिया जो हैं वही जॉर्ज का नाम लेते थे, कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं, ऐसे लोग खुद टिकट बेच रहे हैं। तो मैं इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, चारा घोटाला तो 800 करोड़ का घोटाला था, सृजन घोटाला 8000 करोड़ का घोटाला है, और आर्थिक घोटाला ही नहीं नैतिक घोटाले भी हुए हैं, जिसमें सरकार के लोग मुखिया लोग फंसे हुए हैं। आम आदमी को चरित्र की बात क्या पढ़ाएं, जो खुद इसके प्रमुख फंसे हुए हैं। इसलिए ये सवाल कैसे किस परिस्थिति में बनी है, तो इसको हम कैसे खड़ा कर सकते हैं, इसलिए ये चुनौती थी। और मेरी आदत है, मैं जॉर्ज फर्नांडिस का शिष्य रहा हूँ, पिछले 35 वर्षों से उनके साथ रहा हूँ, इसलिए निश्चित तौर से मैं इस सवाल को लेकर। सर, एक सवाल हमारे स्टूडियो से पूछा जा रहा है कि क्या आप जहानाबाद से ही नामांकन कर रहे हैं, नवादा से आप नामांकन नहीं कर रहे हैं? नवादा के साथियों से मैं माफी चाहता हूँ, इसलिए कि जहानाबाद के साथियों ने यहाँ हम पूजा करने आए थे और कल नामांकन भरना था मुझे नवादा में, तो जहानाबाद के साथियों ने इस तरह का एक भावनात्मक परिस्थिति पैदा की कि मुझे निर्णय अपना बदलना पड़ा, या कठिन निर्णय था लेकिन हमें बदलना पड़ा, मैं अब जहानाबाद से ही लड़ूंगा।